हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं बहुत मॉर्निंग में उठ गया और आज मैं आया हूँ कबूतर को दाना डालने। और पूजा पाठ का कुछ सामग्री होती है मतलब यूज की हुई, तो वो मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ाने। तो दोस्तों, आज है हमारे घर में बच्चे का नामकरण, जो मेरा बाबू हुआ है उसका आज नामकरण है। तो आज हम पार्टी कर रहे हैं, कुछ छोटा सा रिसेप्शन। तो दोस्तों, आज रिसेप्शन करेंगे, एक छोटा सा, बस छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। मतलब आई होप आपको पसंद आएगा। दिखाता हूँ मैं इस ब्लॉग में आपको उस छोटे से प्रोग्राम का क्या क्या करेंगे हम, क्या क्या कैसे मस्ती करेंगे। आगे की अपडेट मैं देता रहता हूँ आपको। साथ ही साथ पापा चले गए हैं मार्केट में और मतलब सब्जी लाने मॉर्निंग में मंडी, और मैं आया था यहाँ पे ये सब करने। तो दोस्तों चलते हैं अब। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पे और यहाँ पे देख रहा हूँ कि बर्तन आ गए हैं टेंट के। कहाँ क्या बुक करा देना? होटल बुक करवा देता है। अच्छा, होटल होटल से ज़्यादा बंदे यहाँ पे खा लेंगे ना। तो दोस्तों देख सकते हो, इसी बीच में एक ये पतीला हमें मिला ऐसा कि हमसे खुल ही नहीं रहा है। भाई और मामा लगे पड़े हैं खोलने में और खुल नहीं रहा है बिल्कुल भी। फिर मेरे भाई ने दिमाग लगाया और एक जुगाड़ करके लकड़ी लेके आया और लकड़ी से धीरे धीरे खोलने लग गया। ये हमारे हलवाई भाई आ गए हैं और लेके जा रहे हैं पतीला। भाई और मामा लगे पड़े हैं कोशिश में, मेरे लगता है थोड़ा बहुत लग रहा है खुल जाएगा। निकल ही गया वह। चलो दोस्तों, निकल गया पतीला, भाई मेहनती है। तो दोस्तों यहाँ पे हलवाई आ गए हैं और लग गए हैं अपने कामों पे। हेलो दोस्तों, दोस्तों ये मेरे मामा है। मामा कहाँ पे आए हो आज? ये मामा आज खाने आए हैं यहाँ पे, फ्री का मिलेगा यहाँ पे, तो ये सब खाने पीने आए हैं यहाँ पे। कितना किराया लगा के आए हो ये पता है? तो किराया लगाने से क्या होता है, आए तो है ना खाने पीने। ₹1100 रोडवेज रोडवेज से आए हैं, रोडवेज से। और 100 रुपया जो है उसका वहाँ से दिया ऑटो का। इतना तो मत मारो यार वीडियो में, चल रही है, बहुत बहुत बंदे देखेंगे, बहुत बंदे देखेंगे। तो क्या हुआ? तो दोस्तों मामा ने लाल कर दिया मार मार के। बढ़ते आगे। हाँ। तो दोस्तों हमारे हलवाई जी ने हमारे लिए पकौड़ी नाश्ते के तौर पे बना दी है। चलो अब मामी के पास चलते हैं। दोस्तों ये मेरी मामी है। चादर का रोशनी लगा देगा तो रोशनी तो दिखा तभी तो उज्जर उज्जर दिखू ना, नहीं तो ऐसे करियट्टी दिखू। यही तो करेगा है। और मामी से मिलने के बाद आए नीचे, तो भाई यहाँ पे मसाले पीसने में लगा हुआ था। तो अब हम चलते हैं पूजा पे बैठने। ये हमारी भाभी और बुआ आ गई हैं। अब मैं पूजा पे बैठ गया हूँ तो किसी और को कैमरा दे दिया मैंने। तो दोस्तों हमारी ये बाबू तैयार हो रही है। दोस्तों इसके कपड़े चेंज हो रहे, तो इतना रो रही है पूछो मत, और सुन ही रहे होगे आप इसकी आवाज। बाबू रो रही है। बहुत ही रोई है बच्ची हमारी। भाभी
ये हमारी भाभी और इनके हाथ में है इनका पोता, हमारी भतीजी का। इनसे मिल गई हमारी बेटी से। बहुत क्यूट है ना दोस्तों। अरे चाचा चाची पैर छूते हुए सबके ये देखो, ये इतना हंस रही है कि इनके आवाज ही चली गई हंसते हंसते। हाँ हमारी ये रही। ये क्या रस आई है, ये क्या नहीं आती है। तो हमारे पंडित जी को भूख लग गई है। कहाँ चला गया उसको, कभी कर लैट्रिन में हो, कभी पापा यहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि टेंट वाला पता नहीं कहाँ चला गया है और अधूरा काम छोड़ के चला गया है। यहाँ पे हमारे डीजे वाले आ गए हैं और पापा गुस्से में बैठे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डीजे स्टार्ट हो गया है और बच्चे नाचने में लग गए हैं। ये हमारी आंटी ने नाचना चालू कर दिया। ये हमारी आंटी सामने रहती है हमारे, किसी भी पहुंच गया मामी के पास। तो देख सकते हो मेरी मामी ने ना पूरा खा गया। मामी ने खा के खत्म कर दिया पूरी। नहीं नहीं आप खाओ। ये हमारी बुक्कड़ भांजी, ये हमारे बड़े भैया, ये देखो ये मेरी भांजी खाते हुए और दोनों माँ बेटी एक साथ बैठ के खा रही है। ये सबसे पहले आंटी है ना, आराम दे आराम दे। दोस्तों अब इसको कैसे छोड़ दूँ, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड विवेक। ये हमारा दोस्त खाते खाते एक घंटा हो गया, इसको अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। भाई क्या हुआ भाई विवेक, कहाँ भाई? ये देखता, ये छुपता हुआ, छुपता हुआ कैमरे के आगे से। तो दोस्तों चलते हैं हम डीजे की तरफ। ये हमारी आंटी और
को छोड़ दिया नाचने के लिए और हम चलते हैं आगे कुछ काम करते हैं। रोडवेज से आए हो? रोडवेज से हाँ, पैसे कैसे लग गए उसमें? रोडवेज से पैसे लग गए? अच्छा, 250 रुपए की टिकट नहीं है उसकी? बिना टिकट आए। लो और क्या, लटक के आयो डिग्गी में। थोड़ी मामा की खिंचाई करी। ये हमारे बड़े भैया हैं सोनू भैया, हमारी बुआ के लड़के। इन्होंने मेरी बेटी को गोद में ले रखा है पहली बार। ये उनकी वाइफ है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ वापस डीजे पे। ये मेरा भांजा अपने दोस्तों के साथ नाचता हुआ। गाना खत्म हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, टेक केयर।